brain. क्या आप द्वंद युद्ध करते करते थक गए हैं और फिर भी आपके स्लग्स नए मूव्स नहीं सीख पाए? क्या? हाँ जी बिल्कुल। क्या दूसरे स्लिंगर्स को बेहतरीन स्लग्स मिल रहे हैं और आपको मिल रहे हैं सिर्फ फ्लॉपर्स? आलसी और सड़े हुए फ्लॉपर्स। हाँ जी। स्लग चूज करने में क्या आप कंफ्यूज हैं या आपको ये भी नहीं पता कि आपका स्लग करता क्या है? इसे तो मेरी दिमाग की बात पता चल गई। हाई तो आइए क्लब स्लग में। हम जानते हैं कि एक स्लग को पावरफुल बनाने के अलावा आपके पास और भी कई काम हैं। आओ मैं तुम्हारे पास अभी चाह रहा हूँ दोस्त। भाई पहुंचा। स्लग ने 5 नए मूव सीखे और वो भी सिर्फ 7 दिन में। और मुझे तो कुछ करना भी नहीं पड़ा सिवाय घर बैठकर देखने के, और वो भी आराम से मसाज लेते हुए एक फुल्ली एयर कंडीशन स्पा में। थैंक यू सर्जन स्लग। मैं अपने नाखून कटवा लूंगा। तो इंतजार कैसा? मैं हूँ सर्जन स्लग और मैं तो कहूँगा उठिए, अपने बैग पैक कीजिए और मुझे आपका काम करने दीजिए ताकि आप आराम कर सके। ये एक ऑर्डर है। हाँ सर जी। ये सर अभी से ही माफी मांग लो, क्योंकि मुझसे हारने के बाद तुम उसके काबिल भी नहीं रहोगे। तुम धमकी दे रहे हो या फिर जोक सुना रहे हो? मैं केव ट्रॉल हूँ, कोई कॉमेडियन नहीं। बात में दम तो है। तुम दोनों कर क्या रहे हो? अपने ओपोनेंट को डराने और धमकी देने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कैसा होगा अगर हम धमकियां कम दें और स्लिंगिंग ज्यादा करें? बहुत अच्छे बैंगो। निराश मत होना कॉर्ड, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस है। शायद तुम्हारे लिए। कुछ महीनों पहले तक तो तुम्हें एक ब्लास्टर से स्लग निकलता कैसे ये नहीं पता था, और अब मैं तुमसे एक मैच नहीं जीत पा रहा हूँ। प्रॉन्टो, ये सामान कहाँ ले जा रहे हो? आहा, बहुत अच्छा सवाल पूछे। मुझे भी आप सबसे एक सवाल पूछना है। द्वंद युद्ध करते करते क्या आप सब लोग थक गए हैं क्या? नहीं, एक स्लग स्लिंगर होने में यही तो मजा है। हाँ, जब आप हर बार जीत रहे हो तो। क्या दूसरे स्लिंगर आपको बड़ी बेशर्मी से हरा रहे हैं जी? वैसे मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा। और मुझे लगता है जी, इसलिए मैंने हम सब के लिए एक शानदार छुट्टी का प्लान बनाया ना क्लब स्लग में। अच्छा, पर मैं एक स्लिंगर हूँ, कोई डांसर नहीं। वो कोई डांसिंग क्लब नहीं है, ये रात में आने वाली एडवर्टाइजिंग की बात कर रहा है। वो स्लग्स के लिए बेसिक ट्रेनिंग कैंप और स्लिंगर्स के लिए वेकेशन है। वेकेशन? सच में? आ, तुम्हारे तो चलना ही पड़ेगा ही लाए। तुम दिन रात बहुत मेहनत करते हो, और जब तुम्हारे किसी पूल पर आराम कर रहे होंगे तब तुम्हारे स्लग्स को जिस्मानी और दिमागी ताकत मिलेगी ना, और वो भी सिर्फ एक ही हफ्ते में जी। वैसे सुनकर विश्वास नहीं होता, पर पूल वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर ऐसा करने से मैं तुमको हरा पाऊं इलाय, तो मैं भी चलूंगा। वैसे इसकी फीस कितनी होगी? ये सफलता की कोई कीमत नहीं होती जी। सीधे सीधे बताओ प्रॉन्टो। क्या है? मैंने बताया नहीं कि हमको कम पैसे में जाने मिल रहा।
सिर्फ अपना आधा सोना देना पड़ेगा। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं वो नए ब्लास्टर के लिए बचा रही थी। हमने कितने मेहनत से उसे कमाया था प्रॉन्टो, और इसी वजह से तुम्हें छुट्टियां लेनी चाहिए। देखा भाई कितना समझदार हूँ। अगर कोई फायदा नहीं हुआ तो मैं मेरा सोना वापस लूंगा। वापस कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी बात है तो भरपेट खाना खाकर हम अपना सोना वसूल कर सकते हैं। लो हम क्लच प्लग में पहुँच गए। अब हम अपने स्लग्स को नॉन ट्रेडिशनल तरीके से पावरफुल बनाने के लिए तैयार हैं। पर पहले आओ कुछ नए मेहमानों से मिलते हैं। हाय, मैं यहाँ एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री शूट कर रही हूँ। तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्लब स्लग में क्यों आए हो? मेरा नाम वेलिन है और मैं यहाँ अपने स्लग को अपग्रेड करने आया हूँ। वैसे वीकेंड पर मैं और मेरे कुछ दोस्त मस्ती करते हैं और स्लग स्लिंग करते हैं। इसके बाद मेरे स्लग सबको हरा देंगे। अच्छी बात है। और तुम कौन हो? इस स्लग टेरा में तुम अकेली ऐसी हो जिसने क्रोसियस समुदाय के बारे में नहीं सुना। अगर ये जो कहते हैं वैसा करते भी हैं, तो मैं इस जगह को खरीद लूंगा। देहाती, माफ करना। और तुम क्यों आई हो? मुझे शूट मत करो। ठीक है। अटेंशन, लाइन में खड़े रहिए और सीधे खड़े रहिए। तो फ्लॉपर्स, एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हारी नहीं, तुम्हारे फ्लॉपर स्लग्स की बात कर रहा हूँ, समझे? वो काम करेंगे ताकि आप आराम करें। आज हमारे साथ शेन के परिवार से भी कोई है। मुझे तुम्हारे इन स्लग्स को ट्रेन करने में खुशी होगी। मैं तो सिर्फ यहाँ वाटर स्लाइड के लिए आया हूँ। बुरा मत मानिए सर, पर आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है ये सब सच नहीं हो सकता। मैं बुरा नहीं मानता बच्चे, बहुत बार सुन चुका हूँ ये, लेकिन वीकेंड के बाद तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास हो जाएगा। तो चलो सब लोग, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये कैसे करते हैं। वाओ, बिना अपने सीक्रेट्स बताए मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे एक स्लग चाहिए डेमोंस्ट्रेशन के लिए। आओ मेरा स्लग ले लो, मेरा ले लो। देखा ये स्लग्स कितने एक्साइटेड हैं? ये जानते हैं इनके लिए क्या अच्छा है। मेरा ये स्पेशल स्लग फूड इनमें फूर्ति लाएगा। चलो शुरू हो जाओ जल्दी। वाह, कितना मजा आ रहा है ना। स्लग को मशीन में लोड करते ही वो रफ्तार पकड़ लेता है, ट्रांसफॉर्म होता है, टारगेट ट्यूब में जाता है और मैगजीन में वापस आता है, जहां पर वो शॉट लेता है। उसके बाद एक और शॉट। ये पूरा दिन पूरी रात चलता रहता है और इसी की वजह से वो नई टेक्निक सीखते हैं। वो भी इतनी जल्दी की आप सोच भी नहीं पाएंगे। और स्लग्स को भी ये बहुत पसंद है। अपने स्लग्स मुझे दे दो ताकि हम उन्हें अपग्रेड कर सके। देखा उनका कमाल, और ये सब होता है बिना किसी मेहनत के। मेरे स्लग्स में तो अभी से ही पावर आ गई है। तो क्या कहते हो एलाय, मेरा तरीका ट्राई करना चाहोगे? तुम्हारे स्लग्स तो एक्साइटेड हैं। मेरे स्लग्स और मैं पुराने तरीके से ही खुश हैं, और हम सब यहाँ वेकेशन मनाने आए हैं। शेन के परिवार वाले हमेशा पुराने तरीके आजमाते हैं। वैसे मुझे तुम्हारी फीस पहले ही मिल चुकी है। ओके एवरीवन, वहाँ जाकर रिलैक्स करो, ये एक ऑर्डर है। सिवाय तुम लोगों के ऑफ कोर्स। चलो दोस्तों, चलकर वाटर स्लाइड देखते हैं। मानना पड़ेगा प्रॉन्टो, मुझे ये पसंद आया। उसे टिप अच्छी देना कॉड। ये अच्छा सौदा है। पापा हमेशा कहते हैं जो काम किसी और से करवा सकते हो वो खुद क्यों करे, और इसके लिए मैं बहुत पैसे दूंगा। जब मैं घर जाऊंगी तब अपने भाई को दिखा दूंगी कि मैं क्या चीज हूँ। जब मेरे स्लग से मैं उसे हरा दूंगी। देखा, किसे वो मशीन पसंद होगी जब आपके पास हो ये। अटेंशन एवरीबॉडी, काफी देर से आपके स्लग्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या आप देखना चाहेंगे कि आपके स्लग्स में कितना बदलाव हुआ है? क्यों नहीं? क्यों नहीं? तो फिर ठीक है, कोई फ्रेंडली द्वंद्व युद्ध करना चाहेगा?
क्या किसी ने द्वंद्व युद्ध कहा? मैं तैयार हूँ। क्या बात है लाए, तो अपने नए स्लग्स को शेन के स्लग्स के साथ कॉन्टेस्ट करेगा? ठीक है, मैं करूँगा। तो फिर हो जाए। ठीक है बॉयज, एक स्लग और एक शॉट। मैं तुम्हें हरा दूंगा, तुम मेरे नए स्लग्स के सामने टिक नहीं सकते। ईलाई शेन। बोलते जाओ कॉर्ड, वैसे भी तुम इसी में माहिर हो। नहीं, इस बार तुम नहीं बोपी, उस पर ज्यादा सख्ती मत बरतना बैंगल। बातें बहुत हुई, तैयार हो जाओ स्लिंगर्स, मेरे इशारे पर। द्वंद्व युद्ध। तो एलाई शेन, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? एलाई, तुम ठीक तो हो दोस्त? हाँ, लगता तो है। तुमने मुझे हरा दिया। तुमने सही कहा, मैं जीत गया मैं। मैंने तुम्हें हरा ही दिया। वो भी नए मूव के साथ, ये कमाल का था। सही कहा। सही बोले, काश मैं तुम पर पैसे लगाता। अब भी विश्वास हुआ कि नहीं? ये सच में कमाल का था। तुम ठीक तो हो बैंगो? क्या हुआ तुम्हें? तुम फाइट हार गए और क्या हुआ। ठीक है, अब मशीन में वापस चलो टपकाए। पावरफुल बनने के लिए अभी कुछ और सेशंस लगेंगे। ओह, मेरी बारी। अब शक्तिशाली प्रॉन्टो एलाई को और बुरी तरह से हराएगा। हाँ, क्यों नहीं? क्या कहते हो एलाई, क्या अब तुम अपने स्लग्स को ट्रेन करवाना चाहते हो? ठीक है, चलो बैंगर को एक और मौका देते हैं और देखते हैं रीमैच में वो कैसे करता है। तुम सच में ठीक हो ना दोस्त? मैंने तुम्हें हराने से तुम परेशान तो नहीं? नहीं, ठीक है। मुझे खुशी है कि तुमने आखिरकार मुझे हरा ही दिया, पर मुझे अब भी नहीं लगता कि एक मशीन स्लग को इतना पावरफुल बना सकती है। हाँ, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने तुम्हें हरा दिया, पर जो भी, तुम हार गए और यही सच है। अब इससे ज्यादा सबूत तुम्हें और क्या चाहिए? लगता है बैंगर को यकीन हो गया है। वो एक स्लग है, लेकिन वो जानता है उसके लिए क्या अच्छा है। उसे मेरे हवाले कर दो, मैं उसे पावरफुल बना दूंगा। घबराओ मत बैंगो, मैं यहीं पर हूँ। मुझे वो घबराया हुआ नहीं लगता, बल्कि खुश लग रहा है। चिंता क्यों कर रहे हो बच्चे, मैंने ऐसे हजारों स्लग्स को ट्रेन किया है। लगता है उसे ये पसंद आ रहा है। बहुत पसंद आ रहा है। सुबह तक रुक जाओ, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास हो जाएगा। देखा, मैंने कहा था ना तुमसे। ठीक है, अब थोड़ा विश्वास होने लगा है। कैसा लग रहा है बैंगो? इसे और ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। लो, संभालो इसे। चलो, ब्रेकफास्ट का वक्त हो गया है, जितना चाहो उतना खाओ। क्या बात है, अब लो हड्डियां हो, क्योंकि सबसे महान मेल में आ रहा जी। अब चलो भी बैंगो, बहुत ट्रेनिंग कर ली। वो बैंगो, जितना चाहे खा सकते। वाह, मैं तो सब खा जाऊंगा जी। अब मुझे हैरत अंगेज कारनामे करने हैं, तो मुझे ताकत तो चाहिए ही ना, जो मिलेंगी ये खाकर। बैंगो मुझे कभी काटने की कोशिश नहीं करता, ये उस मशीन की वजह से हुआ है। हे, वो चाहे जो भी हो, उन्हें इसमें बहुत मजा आता है। और क्या तुमने देखा कैसे कॉर्ड के स्लग के द्वंद्व युद्ध के बाद बुरी हालत थी? सर्जन स्लग ने उसे अपने पास ले लिया, वो जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। उन्हें पावरफुल बनने में कई सीजन लगते हैं। बच को ही देख लो, वो काफी शक्तिशाली है। देखो,
शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ हो इलाय, पर हमने फीस पूरी भर दी है इसलिए कैंप के खत्म होने तक यहीं रुकना पड़ेगा। कैंप खत्म होने में अब कुछ ही घंटे बचे हैं, तब तक हम यहाँ रुकेंगे और सारे स्लग्स पर नजर रखेंगे। मुझे यकीन है उस मशीन में जरूर कुछ गड़बड़ है, और वो क्या है ये मैं पता लगा कर रहूंगा। चलो बैंगो, शायद थोड़ी एक्सरसाइज करने से तुम ठीक हो जाओगे। कोई बात नहीं बैंगो, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। बैंगो तुम ठीक तो हो? लगता है तुम्हारी एनर्जी खत्म हो रही है, आखिर हो क्या रहा है? वो हमें चीट कर रहा है। मैं भी वही सोच रहा हूँ जो तुम सोच रहे हो। अब मेरे स्लग्स को ही देख लो, वो मशीन उन्हें पागल बना रही है। यानी मैं सही था, पर कैसे? वो सिर्फ कुछ शॉट्स के लिए पावरफुल बनते हैं, तुम्हें उन्हें फिर से पावरफुल बनाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। साजन कहते हैं वो मेंटेनेंस है, उनके स्लग्स फिट है पर वो उन्हें हमेशा उसी तरह चार्ज करते रहते हैं। मैं यही तो पता लगाना चाहता था। कांग्रेचुलेशंस एवरीवन, वादे के मुताबिक ये रहे तुम्हारे नए और पावरफुल स्लग्स। इससे अच्छे स्लग्स कहीं नहीं मिलेंगे। इन्हें ट्राई करने के लिए मैं बेताब हूँ। सबको बताना मत भूलना कि आपके स्लग्स को ऐसा क्लब स्लग ने बनाया है। तुम्हारा मतलब इन सबको चीट करना है ना? ये बनावटी सुधार ज्यादा देर तक नहीं टिकता दोस्तों, और तुम्हें यहाँ बार बार उन्हें सुधारने आना ही पड़ेगा। दोस्त मुझे यहाँ आना पसंद है, मेरे पैसे मेरे स्लग्स, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? किसी स्लग को दर्द होता है तो मुझे प्रॉब्लम होती है, और ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। स्लग को ट्रेन करने में जो वक्त लगता है उसके पीछे एक वजह है, ताकि आप अपने स्लग पर ठीक से काबू कर पाएं। इस तरह किसी न किसी को नुकसान जरूर होगा। ये स्लग्स तो बिल्कुल घूल जैसे बन गए हैं। तुम एक्सचेंज जरूर होगे, लेकिन तुम मेरा बिजनेस बिगाड़ रहे हो। जो मेरा साथ देगा उसे मिलेगा एक महीने का फ्री मेंटेनेंस। लगता है ये सब मेरे साथ है, अब तुम नहीं बचोगे। हम तुम्हारे साथ हैं इलाय। मुझे तो बस इन स्लग्स की चिंता है। मैं तुमसे अब भी कह रहा हूँ, वो स्लग्स तुम्हारे लिए अच्छे नहीं है। मैंने इन पर काफी पैसे खर्च किए हैं, तो मैं इन्हें इस्तेमाल तो जरूर करूँगा। हड़िया सब लोग, मैं इसे रोकता हूँ। नहीं, बहुत बास मार रहा। इलाय सॉरी, अगली बार तुम उसे हरा दोगे बोपी। यकीन नहीं हो रहा कि मेरे स्लग्स इतने शक्तिशाली हैं। अब तुम नहीं बचोगे। स्लग्स को वेस्ट मत करो, इनके स्लग्स जल्द ही थक जाएंगे। उम्मीद है ऐसा जल्दी होगा। या नहीं होगा। रिलैक्स। सच में रिलैक्स? मेरे पास पावरफुल स्लग्स की आर्मी है बच्चे, तुम्हारे पास क्या है? दोस्त जिनके साथ जीता हूँ, दोस्त जिन पर भरोसा कर सकता हूँ, है ना बोपी? तुम्हारे पावरफुल स्लग्स की एनर्जी खत्म हो रही है साजन। बिल्कुल गलत, मेरे पास इस प्रॉब्लम का सलूशन है। तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा दोगे? मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम्हारे स्लग्स कमजोर हैं।
जबकि मेरे शक्तिशाली। तुम्हें यकीन है तुम ये कर सकते हो? तो चलो हो जाए। क्या बात है बैंगो? हमारे स्लग्स को पावर कभी मिली ही नहीं और हम मरते मरते भी बचे, पर अब हमें कोई धोखा नहीं देगा। कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन तुमने सही कहा था कि ये ट्रेनिंग कैंप बिल्कुल फर्जी है, और इन बेकार स्लग्स की मदद से तो मैं कभी भी अपने भाई को भी नहीं हरा पाती। अगली बार मैं अपने स्लग्स पर पुराना तरीका इस्तेमाल करूंगा, और मैं से मेरा मतलब है मेरा बटलर और शायद मेरा कुक और मेरा ड्राइवर। पर फिर भी वो कमाल का था, है ना? हमारे स्लग्स किस तरह पागल हो गए थे। वेलन, वो कमाल नहीं था। हाँ, शायद तुमने देखा ही होगा, मैं कोई फास्ट लर्नर नहीं हूँ। यही होना चाहिए। क्या बात है प्रांटो, क्या तुम्हारे स्लग्स को ढूंढ रहे हो? स्लग्स नहीं, मैं ढूंढ रहा हूँ हमारा सोना। अब हम फायदा उठा सकते हैं एक ऐसे मौके का जिसके बारे में मुझे अविश्य पता चला है। कैसा मौका? कुछ लोग कभी नहीं सीखते। मुझे एक जीनियस के बारे में पता चला है जो मैकेनिकल बीच को ऐसा सुपर चार्ज करता है कि वो नॉर्मल स्पीड से 5 गुना तेजी से भागते ना। संडे संडे संडे, आज है स्लग रन। इस बार भी होगी एक जोखिम भरी रेस और साथ ही नई चुनौतियाँ। साथ ही जीतने वाले को मिलेगा खतरनाक और मजेदार स्लग, इतना गजब का कि वो आपके होश उड़ा देगा। दर्दनाक मौत। इस साल प्राइज में मिलेगा सबसे अनोखा स्लग, एक क्रिस्टलेट स्लग, जो हर 100 साल में सिर्फ एक बार मिलता है। तो तैयार हो जाइए देखने के लिए सबसे खतरनाक जानलेवा रेसर्स को एक दूसरे के खिलाफ जीत हासिल करते हुए। ये पागलपन है, पागलपन। वो हाँ, स्लग रन हमेशा से कमाल का रहा है। क्या एक क्रश फेस्टिवल, मैं इसे देखने के लिए तड़प रहा हूँ। देखने से तुम्हारा क्या मतलब? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब से मैं तुमसे मिला हूँ तुमने बहुत सी अजीब सी चीजें की हैं, पर जब इस रेस की बात आती है तब तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा या नहीं। यहाँ सच में होने वाला है धमाल। ये बस एक रेस है, इसमें क्या बुरा होगा? वेलकम रेसर्स, उम्मीद है कि आपने डेथ और डिसमेंबरमेंट फॉर्म्स को भर लिया होगा। हमेशा की तरह अगर आप अपने शरीर का कोई हिस्सा खो देते हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, और कहीं आपने दोनों हाथ खो दिए तो आप किसी को हाई फाइव नहीं दे पाएंगे। और याद रहे, रूल्स तो नाम बना है। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, मैं ब्लास्टर से अपना कमाल दिखाऊंगा। बस लगिंग रूल ये है कि तुम इसमें अपना ब्लास्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम्हें नहीं लगता इसे नो स्लगिंग रूल कहना चाहिए? अगर तुमको जीतना है तो तुम्हें मेरी बातें माननी होंगी। पूरी तरह ध्यान देना, बहादुरी दिखाना और अपने दिमाग पे किसी को हावी मत होने देना। सीधो, हर बार मेरा इससे मुकाबला हुआ है। तो सीडो, मिलकर खुशी हुई? हाँ, मुझे भी मिलकर खुशी हुई। ओ, खुशी तो मुझे ज्यादा हुई। हाँ, एक मिनट रुक जाओ, ये मैं हूँ प्रांटो, याद नहीं आया हम दोनों का मुकाबला हमेशा होता आया है। पर तुमने क्या मुझे देखकर पहचाना नहीं? मैं हूँ, मैं एक फैन से मिलकर हमेशा मुझे खुशी मिलती है।
एक मिनट वैसे ही खड़े रहना। शुक्रिया प्रॉन्टो, अब ठीक है। एक जासूस मैकेनिकल बीस्ट, ये बहुत क्यूट है। हाँ, ये मेरे कबीले की शान है। मैं जासूसों का जासूस हूँ, यहाँ का सबसे बड़ा जासूस। ओह प्रॉन्टो, तुम्हारे प्रतियोगी ने तो कह दिया कि वो तुमसे दुगना बड़ा जासूस है। इस बारे में कुछ कहोगे? ये क्या, तुम सच में घमंडी हो। फिक्र मत करो बॉबी, हम ये आसानी से कर लेंगे। हम बस इस खेल का मजा लेने आए हैं, और अगर हम जीत गए तो और भी अच्छा है। प्रॉन्टो, तुम यहाँ क्या? हीरो को लगता है जी कि वो मुझसे बड़ा जासूस है। प्रॉन्टो उसे बता देगा कि जासूसों का बाप कौन है। मैं प्रॉन्टो। क्या सारे रेसर्स तैयार हैं? सेट। शुक्रिया। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं टाइम पर आया हूँ। वेंस वोल्ड को इस तरह से खड़े रहना कुछ पसंद नहीं, तो क्या हम शुरू करें? जी बिल्कुल मिस्टर वोल्ड, गो। वो वेंस वोल्ड खुद को बड़ा खिलाड़ी समझता है क्या? वो है कौन? मैं यहाँ का 3-time चैंपियन रह चुका हूँ, जिससे तुम्हें हारना है। पर घबराओ मत, इस बार भी जीतने का मौका बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि अब मैंने अपने मेका बीस्ट को अपग्रेड कर लिया है, और ये सब हुआ है मेरे नए स्पॉन्सर ब्लैक इंडस्ट्रीज की वजह से। वोल्ट ब्लैक के लिए काम करता है, मतलब ब्लैक जरूर टनल के पीछे होगा, इसका मतलब समझते हो? मुझे उसे हराना ही छोड़ूंगा नहीं, अब हमें जीतना होगा ताकि वोल्ट कभी भी। हे, मेरे लिए रुको। स्लग रन में हिस्सा लेने के लिए अभी बच्चे हो क्यों? मैं इन्हें तब से चला रहा हूँ जब से, रुको, मैं इन्हें सिर्फ 3 महीनों से चला रहा हूँ। क्या मैं तुम्हें कुछ सिखाऊं बच्चे? क्या कहीं तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? जिंदा रहना है तो मेरे पीछे मत आना। ये अपने आप को समझता क्या है? वहां से बहुत वक्त लगेगा। अगर वैन शॉर्टकट ले सकता है तो मैं क्यों नहीं? ठीक है, ये आइडिया इतना अच्छा नहीं था। मैंने कहा था ना, मेरे पीछे मत आओ। तुम सब ठीक तो हो? लगता है सब कुछ ठीक है, या शायद नहीं।
अगर तुम्हारा लगता है कि तुमने मुझे हरा दिया तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। ब्रांटो की ताकत तुमने अभी तक देख ही नहीं है, अभी देखोगे। ये तुम क्या कर रहे हो? दिना में तारे कहाँ से आ गए? वो रहा सीडो, पीछा करता उसका। लगता है जैसे इस रेस को जीतना मेरे लिए एक चैलेंज बन गया है। तुम्हें पता है ना ये कोई शॉर्टकट नहीं है। अब तुम मुझे सिखाओगे। मैं जानता हूँ लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन तुम्हें डरने की कोई। शैडो क्लैन। मुझे नहीं लगता कि ये सब रेस का हिस्सा है। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। चलो निकले। अब आ भी जाओ बच्चे, जल्दी करो, चलो। वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे, हमें इस गुफा से बाहर निकलना होगा। लगता है आगे रास्ता नहीं है, हम फंस चुके हैं। तो तुम लड़ना चाहते हो? हाँ, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? जिंदा रहने की कोशिश, ताकि मैं रेस में फिर से लौट सकूं। यही तो रेस है, सब कुछ एक रेस है, और तुमने अभी अभी स्लगिंग का रूल तोड़ा है। रूल ये है कि तुम किसी रेसर पर स्लग शॉट नहीं कर सकते, और मुझे नहीं लगता कि वो रेस जीतना चाहते हैं। चलो। लो इसे पकड़ो। ये हिसाब बराबर। अब अगर तुम पागल नहीं हो और जिंदा रहना चाहते हो तो इस रेस को छोड़ दो। तुम ठीक तो हो? हो जाऊंगा जब सीढ़ों को हरा दूंगा तब। इन क्रिस्टल्स को हाथ मत लगाना। क्यों? सवाल कम पूछो और सीढ़ों को हराने की सोचो जी। तुमको तो लगा था कि मैं खत्म हो गया, वापस नहीं आऊंगा, है ना? और तुम हो ब्रांटो जी। अब पता चला ना कि क्रिस्टल्स को हाथा क्यों नहीं लगा थे। मुझे सीखना पड़ेगा वो सब कैसे करता है। Oh!
बहुत अच्छे, अब सुरक्षित घर लौट जाओ। पहुंचने का तरीका ढूंढना होगा। बढ़िया आइडिया है बॉबी। हे, तुम अब भी यही हो? हाँ मान लो बच्चे, रेस तो मैं ही जीतूंगा। हाँ तुम वाकई एक सच्चे विनर हो जो ब्लैक के लिए रेस कर रहे हो। मैकेनिकल बीस बहुत कीमती होते हैं और मैं इन्हें खरीद नहीं सकता। मुझे कोई परवाह नहीं कि इन्हें कौन स्पॉन्सर करता है। परवाह करो, ब्लैक बहुत बुरा आदमी है। मैं नहीं चाहता कि तुम जीतो और स्लग्स उसे दे दो। रुको, ये तुम क्या कर? मुझे लगा तुम मुझे शूट करने वाले हो। मैंने अभी तुम्हारी जान बचाई, और वैसे भी रेस के दौरान एक रेसर को शूट करना रूल्स के खिलाफ है। मैं चाहकर भी ऐसा नहीं करता। पागल हो बच्चे, एक स्लग को पाने के चक्कर में अपनी जान गवा दोगे? मैं तुम्हें ब्लैक के लिए वो स्लग जीतने नहीं दूंगा, और मैं चीटिंग भी नहीं करूंगा। वैसे भी अब तक मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला जिसके सामने मैं टिक नहीं पाऊं। लगता है अब मिल गया। कमाल दिखाओ बच्चो। चीज से तेज नहीं भाग सकते क्या? तुम खुद को मरवाना चाहते हो? नहीं, तुम चाहते हो मैं जीत जाऊं? ऐसा कुछ नहीं है बच्चे। अब लगने लगा है कॉर्ड ने इस रेस के बारे में सही कहा था। हमें कैसे भी करके उसे गलत साबित करना ही होगा। तो उम्मीद है कि ये काम करे। पकड़े रहो दोस्तों। रुको, पकड़ने की जरूरत तो मुझे है। तुमने वो सुना बॉबी? हम जीत गए। और लो ये आ गए ईलाई शेन, जो आज दूसरे नंबर पर है। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा लग रहा हूँ ना मैं? क्या बात है। मैं बस अभी आया दोस्तों। माफ करना बच्चे, सेकंड आने पर प्राइज नहीं मिलता सिवाय इस बार के। ओह क्या सच में? ये मेरे लिए है? मैं जीत गया, यही मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्राइज है। जैसा मैंने कहा, मैं एक रेसर हूँ, कोई स्लिंगर नहीं। और ब्लैक से क्या कहोगे? ये स्लग तो तुम्हें उसे देना था। जब मैंने देखा कि तुमने स्लग को पाने के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल दी, तो मुझे लगा ब्लैक को नहीं मिलना चाहिए। पर ये उसे जरूर मिलेगा। मैं खुद उसे ये स्लग दूंगा। क्या तुम ब्लैक के लिए काम करते हो? क्या तुम्हें लगता है कि ब्लैक इस बेवकूफ वैंस वोल्ट के भरोसे पर ये काम सौंप देगा? मैं इस रेस में उसका खुफिया जासूस था। तुम कह सकते हो कि मैं जासूसों का जासूस हूँ, यहाँ का सबसे महान होशियार और चालाक जासूस। ब्लैक हर तरीके से सोचता है, इसीलिए वो जो चाहता है उसे मिल जाता है। पर उसे ये स्लग अब तक नहीं मिला है। तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा दोगे? ये तो मुझे नहीं पता, चलो देखते हैं। अब सुनो जासूस, वो स्लग मुझे वापस दे दो, नहीं तो। ओ, एक मिनट रुको बच्चे।
तो तुम क्या कह रहे थे? तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है जैसे तुमने हार मान ली है। ब्लैक ने मुझे ये काम करने के लिए बहुत पैसे दिए हैं। अब अपना हथियार डाल दो, वरना अच्छा नहीं होगा। ये आवाज मैंने पहले भी सुनी है। तुम? वाह, अभी याद आया कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ प्रांटो। अब मैं तुम्हारी छुट्टी कर लूंगा। तुम एक मोल लॉइड को गाड़ नहीं सकते। एक दिन मैं खोद कर अपने आप को बचा लूंगा। एक दिन। मेरे को प्रांटो कहके बुलाते हैं। सबसे बड़ा शूरवीर। माफ करना, तुम्हारा स्लग नहीं मिला जी। मजाक कर रहे हो? जब तक वो ब्लैक को नहीं मिलता मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे शूटिंग बढ़िया थी और ये अच्छा वर्म है। अरे रुक जाओ। अरे क्या कर रही? अरे रुक जाओ भाई। और इसी तरह मैंने सबको बचा लिया ना। प्रांटो मजाक मत करो। अगर ये सच हुआ तो मैं ये औजार खा लूंगा। अब ये तो तुम्हें इलाही ही बता सकता है। मैं तो बेहोश हो गया था। असल में ये सब प्रांटो ने ही किया है। अब खाना शुरू करो। कोल्ड। अफसोस है कि हम वक्त पर तुम्हारी मदद नहीं कर पाए। हाँ, पर जरूरी बात ये है कि प्रांटो ने सीडो को हरा दिया और हमने ब्लैक को रोका। मैं उसे ही अपनी जीत समझता हूँ। भले ही तुम हार गए मेरे साथ। क्या ये तैयार है? बिल्कुल तैयार है। साथ ही इसमें कई सारी नई चीजें डाली हैं। तुम्हारी टीम बहुत अच्छी है और तुम भी एक अच्छे लीडर हो। पता है ब्लैक अब जरूर तुम्हारा पीछा करेगा। तुम चाहो तो हमारी टीम में आ सकते हो। थैंक्स, पर मैंने कहा ना, मैं एक रेसर हूँ, कोई स्लिंगर नहीं। वैसे वो मुझे पाना चाहता है तो सबसे पहले उसे मुझे पकड़ना होगा। तुम्हें लगता है ये सब इतना आसान है? तुम यहाँ से ऐसे ही चले नहीं जा सकते जब तक मुझे नई रेसिंग टेक्निक्स नहीं सिखाते। मैं तो नए मूव सीखने जा रही हूँ। मैं भी आ रहा हूँ। पकड़ सको तो पकड़ लो। सब लोग ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें ये चलाने की टेक्निक सीखनी है ना, तो सुनो कि मैंने कैसे वो क्रिस्टल वर्म पे राइड किया था। अब ये वर्म पूरी तरह से मेरे कब्जे में आए। सुनो वर्म, ये तुम्हारी खुशनसीबी है जी कि मैं तुम पे राइड कर रहा। अब सबसे अच्छी बात बताओ, अब कहाँ चले गए ये सब के सब? अरे मेरी बात सुनो जी।